हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। बात करते हैं, क्या एलर्जी के कारण हेडेक हो सकता है? इज देयर रीजन ऑफ हेडेक ड्यू टू द एलर्जी? यस दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हेडेक एक वर्ल्ड वाइड बड़ी समस्या है। मैं कहूँगा कि हेडेक का कारण जानने वाले को हेडेक हो सकता है। यस, हेडेक के बहुत सारे रीजन हैं, बट हम बात करते हैं इसमें नेजल एलर्जी के कारण हेडेक हो सकता है क्या। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि यस, डेफिनेटली नेजल एलर्जी के कारण आपको हेडेक हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो हमारा नोज है, नोज का जो इंटीरियर है, वो हमारा नोज के सराउंडिंग में जो हमारा जो है बोन होती है, जैसे हमारी ये चीक की बोन है, हमारी ये एथमॉइड बोन है, हमारी ये जो फ्रंटल बोन है, इसमें क्या है कि एक मधुमक्खी के छत्ते की जैसे एक स्पेस होता है जिसको हम साइनस बोलते हैं। सो दोस्तों, ये नोज जो हमारा इंटीरियर है, उस साइनस से जुड़ा हुआ होता है एंड इट एक्ट एज ए यूनिट। दैट मीन्स कि जब हम नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हैं तो पूरी एयर साइनस में जाती है, एयर का फिल्ट्रेशन होता है एंड वहाँ प्यूरिफिकेशन होता है एंड वो साइनस में बराबर एयर जाना मैंडेटरी, उसकी हेल्थ के लिए जरूरी है। अब दोस्तों, जब किसी को नेजल एलर्जी होती है तो वो जो खाली स्पेस है, गुफानुमा जो हड्डी में खाली जगह है, उसमें क्या है कि वहां सूजन आ जाती है एंड सूजन आने से वहां पानी इकट्ठा होता है। वहां पानी इकट्ठा होने के कारण उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और वहां इन्फेक्शन क्रिएट होने के कारण उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होते ही वहां पे सूजन आ जाती है एंड जैसे ही सूजन आती है, आपको दर्द जो है, आपको फेशियल पेन होगा, आपको हेडेक होगा एंड ये हेडेक थोड़ा सा क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक होता है। जैसे हेडेक बहुत अलग तरीके के भी होते हैं, माइग्रेन का हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है, टेंशन हेडेक होता है। ये जो हेडेक होता है, इसमें क्या होता है कि इसको हम हमारी लैंग्वेज में ऑफिस हेडेक भी बोलते हैं कि आपको रात को इतना नहीं होगा लेकिन 11-12 बजे ऑफिस में अगर आप जाते हैं उस टाइम पे क्या है, ये ज़्यादा होता है एंड मोस्टली हमारा जो फ्रंटल जो साइनस होता है उसके अंदर कलेक्शन के कारण ये हेडेक रहता है। आपको ये आईब्रो के आसपास क्या है, बुरा हैवीनेस रहेगा, भारीपन रहेगा, आपको लगेगा सर मैं तो 8 घंटे की पूरी स्लीप साइकिल भी है, मेरा स्क्रीनिंग टाइम भी नहीं है, फिर भी मेरे को हेडेक रहता है। सो दोस्तों, नेजल एलर्जी के कारण हेडेक हो सकता है। देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है ये बात। अब दोस्तों, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो यू जस्ट गो टू द ईएनटी स्पेशलिस्ट, जहां पे एक अच्छी साधन सुविधा होती है, जहां पे एक सिंपल क्विक एक एंडोस्कोप डालते ही हमें पता लग जाता है कि यस आपको साइनस की प्रॉब्लम है एंड वो कितनी मात्रा में है, क्या है। उसके लिए सीटी स्कैन पीएनएस का एक टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हमें तुरंत ये पता लग जाता है कि यस आपके साइनस के अंदर जो है ये प्रॉब्लम है एंड इसका ये इलाज है। दोस्तों, जिस चीज से आप इतने पीड़ित हो, जिस चीज के कारण आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिस चीज के कारण कई बार जॉब से निकाल दिया जाता है, वो लाइलाज नहीं है, वो इलाज के लायक है। सीटी स्कैन में अगर आपको ये आ गया कि इसमें ये साइनस जो है नेजल एलर्जी के कारण कलेक्शन हो गया, तो दोस्तों इसमें एक FESS फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है। मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये सर्जरी जो है, पहली बात, करीब 1-1.5 घंटे की सर्जरी है। इसमें दूरबीन से किया जाता है, इसमें दर्द नहीं होता है, बाहर से कोई चीर फाड़ टाका पट्टी दर्द निशान ऐसा नहीं होता है एंड एक नेविगेशन सिस्टम और एक एंडोस्कोप और एक माइक्रोडेब्राइडिस सिस्टम होता है, जिसमें मोटे रूप से दोस्तों एक स्क्रीनिंग पे देख के एंड नोज के अंदर एक एंडोस्कोपी एंड मॉनिटर पे देख के जहाँ से पॉलिप है उसको हटा दिया जाता है एंड जो हमारा जो ये हेडेक से हमें निजात मिल जाती है। सो दोस्तों, देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण है ये बात, जिस चीज से हम कितने परेशान थे, जिसका इलाज है नेजल एलर्जी से, दोस्तों हेडेक हो सकता है, बट ये 100% क्योरेबल भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है। जरूरत है तो किस बात की है, किस बात की है, जागरूकता, आपकी अवेयरनेस, आप अपनी बॉडी के लिए कितने जागरूक हैं। एक इंसान है जो हो रहा है, सालों से चल रहा है कॉम्बिफ्लेम एनाल्जेसिक वट एवर अमाउंट डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, जब तक आपको उसका राइट डायरेक्शन, राइट डॉक्टर नहीं मिलेगा तो आप उसमें परेशान होते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, जहाँ पे अच्छी साधन सुविधा है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, तुरंत दिखा के, तुरंत उचित उसका डायग्नोसिस करा के उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए एंड उसमें आगे नहीं हो, उसके प्रिवेंशन के लिए भी जो है वो डॉक्टर उसको आपको अच्छे सुझाव देगा, जिससे वापस लाइफ में नहीं हो।
So, देखा दोस्तों आपने कितनी महत्वपूर्ण ये समस्या है. जस्ट यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द हेडेक प्रॉब्लम ड्यू टू द नेजल एलर्जी. दोस्तों आपका कोई सवाल है यू कैन पुट माई कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई. थैंक यू.